अच्छा जी, हम लोगों ने ये डिस्कशन की थी कि IST जो है, इनहेरिटेंस टैक्स किस चीज़ के ऊपर अप्लाई होता है। तो हमने डिस्कस किया था कि इनहेरिटेंस टैक्स जो है वो लाइफ टाइम गिफ्ट्स के ऊपर अप्लाई होता है। इसका एक सोर्स है लाइफ टाइम गिफ्ट्स, और इसका दूसरा सोर्स है एक शख्स की अगर डेथ होती है तो उसकी डेथ स्टेट में जो भी वो अपनी विल में एसेट्स ट्रांसफ़र करता है जिसको भी, तो उसके टैक्स कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। लाइफ टाइम गिफ्ट्स को हमने टू टाइप्स में क्लासिफाई किया था। वन इज कॉल्ड दी पोटेंशियली एग्जेम्प्ट ट्रांसफर एंड अदर इज कॉल्ड दी चार्जेबल लाइफ टाइम ट्रांसफर। एग्जेम्पशन की भी कैटेगरी बनती है, लेकिन एग्जेम्प्ट को डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। या तो लाइफ टाइम गिफ्ट्स आपका पोटेंशियली एग्जेम्प्ट ट्रांसफर होगा या चार्जेबल लाइफ टाइम ट्रांसफर होगा। पोटेंशियली एग्जेम्प्ट ट्रांसफर जो होता है, ये नॉर्मली हम गिफ्ट करते हैं, एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल को गिफ्ट करता है। और चार्जेबल लाइफ टाइम ट्रांसफर इज नॉर्मली अ गिफ्ट टू अ ट्रस्ट अदर देन जो आप चैरिटी को देते हैं या डिसेबल ट्रस्ट को देते हैं। जो भी ट्रस्ट होगा उसका बिल्ट इन पार्ट है कि वो एक CLT कंसिडर किया जाएगा। अब इन दोनों में टैक्स कॉन्सिक्वेंसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें डिफरेंस आइडेंटिफाई करना है कि जी PAT किस तरह टैक्सेबल होता है, CLT किस तरह से टैक्सेबल होता है। सबसे पहले IST इज एप्लीकेबल ऑन ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, चाहे वो PET हो या वो CLT हो। आपको क्या फाइंड आउट करना है? आपको ट्रांसफर ऑफ वैल्यू फाइंड आउट करना है। ये ट्रांसफर ऑफ वैल्यू या तो आपको एग्जाम में गिवन होगी डायरेक्टली, या फिर आपको ये ट्रांसफर ऑफ वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी। सो यू शुड नो हाउ टू कैलकुलेट ट्रांसफर ऑफ वैल्यू इफ इट इज नॉट गिवन। सो बेसिकली ट्रांसफर ऑफ वैल्यू होती क्या है, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू कैसे हम निकालते हैं? सो वैल्यू ऑफ अ पर्सन्स स्टेट बिफोर ट्रांसफर, यानी कि जो शख्स कोई भी गिफ्ट कर रहा है तो गिफ्ट करने से पहले उसके पास क्या था, उसमें से माइनस कर दिया जाए वैल्यू ऑफ स्टेट आफ्टर ट्रांसफर। गिफ्ट करने के बाद उसके पास क्या वैल्यू बचती है, तो जो डिफरेंस होगा वो डिफरेंस क्या कहलाएगा? वो डिफरेंस कहलाएगा ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। तो ये ट्रांसफर ऑफ वैल्यू नॉर्मली गिवन होता है, लेकिन अगर शेयर्स ट्रांसफर किए जाएं एज अ लाइफ टाइम गिफ्ट, सो ये ट्रांसफर ऑफ वैल्यू हमें फाइंड आउट भी करने को दी जा सकती है, जो हम सब्सिक्वेंटली डिस्कस करेंगे। नाउ लेट्स अज्यूम दैट कि ये ट्रांसफर ऑफ वैल्यू आपको दी हुई है, आपको गिवन है। अब इस ट्रांसफर ऑफ वैल्यू पर हम IST अप्लाई नहीं करते, बल्कि इस ट्रांसफर ऑफ वैल्यू में से हम कुछ एग्जेम्पशंस माइनस करते हैं और उसके बाद एक अमाउंट आता है हमारे पास जिसको हम कहते हैं टैक्सेबल अमाउंट, उसके ऊपर IST अप्लाई करते हैं। सो बिफोर एप्लीकेशन ऑफ द IST लेट्स डिस्कस के पोटेंशियली एग्जेम्प्ट ट्रांसफर का टैक्स का रूल क्या है। अगर एक गिफ्ट क्लासिफाई होता है एज अ पोटेंशियली एग्जेम्प्ट ट्रांसफर, तो एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर क्या उसके ऊपर टैक्स होगा? जिस डेट पर आपने ट्रांसफर किया उस डेट के ऊपर उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं होगा, कोई टैक्स कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होंगे उसके। लेकिन एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ डोनर, जो टैक्स जो गिफ्ट कर रहा है उसकी जब डेथ होगी, तो हमें देखना पड़ेगा कि कितने साल बाद उसकी डेथ हुई। फॉर एग्जाम्पल, अगर डेट थी 15th October 2015, जो कि टैक्स ईयर बनता है 15-16, तो अब आप ये काउंट करेंगे कि उसकी डेथ कब हुई। अगर उसकी डेथ विद इन 7 years ऑफ मेकिंग द गिफ्ट होती है, विद इन 7 years, तो एक डिफरेंट कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, और अगर आफ्टर 7 years होती है तो डिफरेंट कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। अगर वो शख्स गिफ्ट करने के 7 साल के अंदर डेथ हो जाती है उसकी, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज ये होंगे, अब आपका जो PET है जो कि टैक्सेबल नहीं था, अब वो टैक्सेबल हो जाएगा। और अगर 7 साल गुजर जाते हैं तो PET जो कि ऑलरेडी नॉन टैक्सेबल था उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा, और ये पोटेंशियली एग्जेम्प्ट ट्रांसफर इज कंप्लीटली 100% एग्जेम्प्ट। तो डेट ऑफ गिफ्ट
और डेट ऑफ डेथ को कंपेयर किया जाएगा और उसके बाद चेक किया जाएगा कि आइदर पीईटी इज टैक्सेबल और नॉट टैक्सेबल। अच्छा, इसी तरीके से अगर हम चार्जेबल लाइफ टाइम ट्रांसफर की बात करते हैं तो उसके भी यही कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। एट द टाइम ऑफ गिफ्ट, अच्छा गिफ्ट जो नॉर्मली चार्जेबल लाइफ टाइम ट्रांसफर होता है वो किसको दिया जाता है, वो दिया जाता है ट्रस्ट को। तो उसमें गिफ्ट देने वाले को हम क्या कहते हैं, डोनर, और गिफ्ट लेने वाले को क्या कहा जाता है, डोनी। तो इट्स अ रिलेशनशिप बिटवीन डोनर एंड डोनी, डोनी इज ऑल्सो नोन एज ट्रस्टी। अब सवाल ये पैदा होता है क्या एट द टाइम ऑफ गिफ्ट IST लगेगा, तो इसका आंसर है यस, इट इज टैक्सेबल। दूसरा सवाल ये क्रिएट होता है कि अगर ये टैक्सेबल है तो टैक्स पे कौन करेगा, तो इसका आंसर ये है डोनर भी टैक्स दे सकता है और अगर डोनी चाहे तो डोनी भी टैक्स दे सकता है, दोनों में से कोई एक टैक्स देगा। ये उनकी आपस की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी कि डोनर टैक्स देना चाहता है या डोनी टैक्स देना चाहता है। लेकिन एक बात जहन में रखनी है कि अगर डोनर टैक्स देना चाहता है तो टैक्स रेट जो होगा वो थोड़ा सा ज्यादा होगा, दैट इज 25%, और अगर डोनी टैक्स देना चाहता है तो टैक्स रेट होगा 20%, और ये 20% आपको टैक्स शीट के अंदर गिवन मिलेगा। अगर याद ना भी हो तो शीट के अंदर आपको मिल जाएगा। सो चार्जेबल लाइफ टाइम एट द टाइम ऑफ गिफ्ट टैक्सेबल होता है, और उसके बाद फर्दर टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा, इट डिपेंड्स ऑन द सेम रूल दैट इज द डेथ ऑफ द डोनर। सेम 7 years वाला रूल यहां पर फॉलो होता है। अगर वो शख्स विद इन 7 years उसकी डेथ हो जाती है तो क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, और अगर आफ्टर 7 years उसकी डेथ होती है तो क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। अगर विद इन 7 years होती है तो फर्दर टैक्स लगेगा, और वो फर्दर टैक्स किस रेट पर लगेगा, टैक्स रेट जो होगा वो होगा 40%। टैक्स देगा कौन, टैक्स देगा ट्रस्ट यानी के डोनर। अच्छा, क्योंकि हम ऑलरेडी टैक्स दे चुके होंगे, या तो 20% दिया जा चुका होगा या 25% दिया जा चुका होगा, तो एज ए रिजल्ट जब 40% टैक्स हम लगाएंगे तो जितना टैक्स हमने ऑलरेडी दिया हुआ है उसके अगेंस्ट हमें टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। और अगर वो शख्स 7 साल सर्वाइव कर लेता है सो देन नो फर्दर टैक्स। फिर फर्दर टैक्स इसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। Is that point clear? चलें जी, हम आगे बढ़ते हैं। अगर ये point clear है तो हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि किस तरह से हम जो हैं वो CLT और PET के ऊपर tax apply करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं CLT के ऊपर tax कैसे apply होता है। तो मैं आपको एक फॉर्मेट बता रहा हूं, CLT लाइफ टाइम पर टैक्स किस तरह से लगेगा। सबसे पहले आई नीड टू फाइंड आउट द ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, या तो ये गिवन होगी या मुझे कैलकुलेट करनी होगी। लाइकली चांसेस है कि एग्जाम में आपको ये कैलकुलेट करने को दी जाए। ट्रांसफर ऑफ वैल्यू आइडेंटिफाई करने के बाद हम इसमें से माइनस करेंगे एग्जेम्पशंस। एग्जेम्पशन की लिस्ट थोड़ी देर में हम डिस्कस करते हैं। देर आर सर्टेन काइंड ऑफ एग्जेम्पशन ड्यूरिंग लाइफ टाइम। एग्जेम्पशन माइनस करने के बाद आपके पास एक अमाउंट आएगा विच इज कॉल्ड दी चार्जेबल अमाउंट। ये चार्जेबल अमाउंट जो आपके सामने आएगा, या तो ये ग्रॉस चार्जेबल अमाउंट होगा या फिर ये नेट चार्जेबल अमाउंट होगा। अब ये कैसे आइडेंटिफाई होगा कि इसको ग्रॉस चार्जेबल का नाम दिया जाए या नेट चार्जेबल का नाम दिया जाए, इट डिपेंड्स ऑन हु इज गोइंग टू पे टैक्स। अगर डोनर टैक्स पे करता है तो इस गिफ्ट को नेट कंसीडर किया जाएगा, और अगर डोनी पे कर रहा है तो इस गिफ्ट को हम ग्रॉस गिफ्ट कंसीडर करेंगे। ये चीज क्वेश्चन के अंदर मेंशन हो सकती है कि टैक्स पे करने वाली पार्टी कौन है। चार्जेबल अमाउंट फाइंड आउट करने के बाद
फिर हम इसमें से फर्दर कुछ डिडक्शंस करेंगे विच इज कॉल्ड निल रेट बैंड। हर साल का एक निल रेट बैंड टैक्स शीट में दिया हुआ है, वो आप आइडेंटिफाई करेंगे लेना है या नहीं लेना डिसाइड करेंगे, और उसके बाद आपके पास एक अमाउंट आ जाएगा विच इज कॉल्ड टैक्सेबल अमाउंट। ये टैक्सेबल अमाउंट आइडेंटिफाई करने के बाद यू हैव टू अप्लाई IHT रेट विच माइट बी 20% और 25% डिपेंडिंग ऑन हु इज गोइंग टू पे टैक्स। IHT फाइंड आउट करने के बाद फिर हम नीचे इसके आइडेंटिफाई करेंगे ग्रॉस चार्जेबल अमाउंट, और ये ग्रॉस चार्जेबल अमाउंट आपके पास या तो ऑलरेडी ऊपर जो चार्जेबल अमाउंट दिया है वो कॉपी होगा या फिर हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर ऊपर जो चार्जेबल अमाउंट दिया हुआ है वो ग्रॉस है ऑलरेडी तो नीचे उसको कॉपी कर देंगे, और अगर ऊपर नेट चार्जेबल अमाउंट दिया हुआ है तो नेट को ग्रॉस बनाने का तरीका क्या होता है? ग्रॉस बनाने का तरीका ये होता है कि नेट चार्जेबल अमाउंट में IHT पेबल अगर ऐड कर दिया जाए तो वो नेट चार्जेबल अमाउंट विल बिकम दी ग्रॉस चार्जेबल अमाउंट। तो ये डोनर और डोनी की टैक्स लाइबिलिटी डिसाइड करेगी कौन टैक्स पे कर रहा है, जिससे पता लगेगा कि ये चार्जेबल अमाउंट है या ग्रॉस है या नेट चार्जेबल अमाउंट है। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज फॉर द फर्स्ट टाइम है ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, कि हम सब्सिक्वेंटली डिस्कस करेंगे कैसे निकालते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमें यहाँ करनी है वो है एग्जेम्पशंस। और क्योंकि अभी हम लाइफ टाइम की बात कर रहे हैं तो लाइफ टाइम पर हमारे पास कौन कौन सी एग्जेम्पशंस अवेलेबल हैं वो हमें डिस्कस करनी है। सो लेट्स फोकस ऑन एग्जेम्पशन। अब आप इसके लिए जो है वो हम आ जाते हैं अपने नोट्स की तरफ और उसमें चेक करते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी एग्जेम्पशंस अवेलेबल हैं और वो किस किस तरीके से अप्लाई होंगी। यू कैन सी हियर के लाइफ टाइम में हमारे पास पहली एग्जेम्पशन है, पहली या वन ऑफ द एग्जेम्पशन इज कॉल्ड दी एनुअल एग्जेम्पशन। नाउ व्हाट इज दैट एनुअल एग्जेम्पशन? एनुअल एग्जेम्पशन ये है कि आपका जिस ईयर में आपका गिफ्ट होगा उस ईयर में आप उस ट्रांसफर ऑफ वैल्यू से 3000 माइनस कर सकते हैं, यानी अप टू 3000 आपका जो गिफ्ट है वो एग्जेम्प्ट है। अच्छा, पिछले साल, क्योंकि ये हर साल की लिमिट है, तो पिछले साल अगर आपने 3000 यूटिलाइज नहीं किया था तो वो एक साल के लिए कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपका ये पहला गिफ्ट है इस साल का या पिछले साल कोई गिफ्ट नहीं था तो आप इस साल का 3000 लेंगे और पिछले साल का भी 3000 आप लेंगे, और इसमें जो ऑर्डर आपको रखना है उसमें करंट ईयर पहले लेंगे और प्रीवियस ईयर बाद में लेंगे। और अगर एक ही साल में आपके पास दो गिफ्ट हैं या तीन गिफ्ट हैं, फॉर एग्जांपल एक PET भी है एक CLT भी है, तो पहले गिफ्ट के ऊपर पहले एनुअल एग्जेम्पशन यूटिलाइज कर ली जाएगी। और एनुअल एग्जेम्पशन आइटम बाय आइटम नहीं होता, एनुअल एग्जेम्पशन होता है ईयरली बेसिस के ऊपर। मीन्स अगर आप चार गिफ्ट भी करते हैं तो आपको एनुअल एग्जेम्पशन सिर्फ 3000 का मिलेगा। सही है, हर गिफ्ट के ऊपर 3000 नहीं मिलेगा। आफ्टर कंसिडरिंग दिस एनुअल एग्जेम्पशन, जो कि मैंने बता दिया कि आप 3000 लेंगे करंट टैक्स ईयर का, विच इज टैक्स ईयर 2021, और 3000 आप ले सकते हैं पिछले साल का, तो टोटल आपके पास जो एग्जेम्पशन का पोटेंशियल है वो कितना है? 6000। बी केयरफुल अबाउट द प्रीवियस ईयर, या वो खुद डिसाइड करना पड़ेगा कि प्रीवियस ईयर आपके पास अवेलेबल है या प्रीवियस ईयर आपका ऑलरेडी एग्जॉस्ट हो चुका है, खत्म हो चुका है। नेक्स्ट कैटेगरी आती है मैरिज एग्जेम्पशन। मैरिज एग्जेम्पशन की कंडीशन ये है कि किसी शख्स ने अगर किसी दूसरे शख्स को गिफ्ट किया तो उसकी शादी हो रही हो, मैरिज में इन्वॉल्वमेंट हो, तब इस गिफ्ट को मैरिज एग्जेम्पशन में काउंट किया जाएगा। सो अ गिफ्ट इन कंसिडरेशन फॉर मैरिज और अ सिविल पार्टनरशिप इज एग्जेम्प्ट अप टू अ सर्टेन लिमिट। अब डिपेंड ये करता है कि गिफ्ट देने वाला कौन है। अगर गिफ्ट देने वाला ब्राइड या ग्रूम के लिए पेरेंट में से कोई शख्स है तो फर्स्ट 5000 एग्जेम्प्ट होंगे,
अगर कोई और रिमोट एंसेस्टर है जिसमें ग्रैंड पेरेंट्स आ जाते हैं, दूसरे रिश्तेदार आ जाते हैं, तो लिमिट जो है वो रिड्यूस होके 2500 हो जाएगी, और अगर ब्राइड टू ग्रूम और ग्रूम टू ब्राइड गिफ्ट देते हैं तो लिमिट 2500 ही रहेगी, यानी कि रिमोट एंसेस्टर्स, ब्राइड टू ग्रूम, ग्रूम टू ब्राइड, लिमिट एक ही है, ठीक है। और इसमें सब आ जाते हैं, रिमोट एंसेस्टर्स के अंदर रिश्तेदार सारे सब इसके अंदर शामिल होते हैं। अच्छा जी, इसके अलावा इन लोगों के अलावा, इन लोगों के अलावा अगर कोई हुआ, जैसे कोई दोस्त है, ठीक है, तो अल्टीमेटली आपकी लिमिट रिड्यूस होके 1000 पर आ जाएगी, यानी कि आपको तीन लिमिट्स याद रखनी है, 5000 लिमिट हो सकती है, 2500 हो सकती है, या 1000 की लिमिट हो सकती है। ये बात जहन में रखें कि अगर एक ही क्वेश्चन में आपके पास मल्टीपल एग्जेम्पशंस हैं तो सबसे लास्ट में आपको एनुअल एग्जेम्पशन लेनी है, यानी कि एनुअल एग्जेम्पशन को डिडक्शन कब करेंगे, सारी एग्जेम्पशंस क्लेम करने के बाद। नेक्स्ट एग्जेम्पशन इज अबाउट अ स्मॉल गिफ्ट। अब स्मॉल गिफ्ट क्या होता है, कैसे आइडेंटिफाई होगा कि अगर मैं एक शख्स को गिफ्ट देता हूं तो वो स्मॉल गिफ्ट है या नहीं। अगर स्मॉल गिफ्ट हुआ तो स्मॉल गिफ्ट क्या है, स्मॉल गिफ्ट जो है वो पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट में जाएगा। सो व्हाट इज द डेफिनेशन, गिफ्ट अप टू 250 पाउंड पर पर्सन पर एनम, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि 250 पाउंड का गिफ्ट एक टैक्स ईयर में आप दें एक बंदे को, चाहे आहिस्ता आहिस्ता दें 50 50 50 60 70, ठीक है, या एक साथ दे दें, अप टू 250 एग्जेम्प्ट है। लेकिन अगर गिफ्ट की वैल्यू एक्सीड करती है तो एक्सेस पे टैक्स नहीं लगेगा, द एग्जेम्पशन इज लॉस्ट। फॉर एग्जाम्पल, आपकी गिफ्ट की वैल्यू है 270, किसी एक इंडिविजुअल को आपने 270 का गिफ्ट दिया, नो स्मॉल गिफ्ट एग्जेम्पशन, क्योंकि अब ये स्मॉल रहा नहीं, स्मॉल कौन सा है, स्मॉल वो है जो 250 या उसके अंडर फॉल होगा। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारी जो एग्जेम्पशन की कैटेगरी है, बेसिकली ये एग्जेम्पशन की कैटेगरी नहीं है, बट समटाइम्स ऐसा होता है कि हम अपनी नॉर्मल एक्सपेंडिचर को भी ट्रांसफर ऑफ वैल्यू समझते हैं, तो जो हम नॉर्मल एक्सपेंडिचर कर रहे होते हैं आउट ऑफ इनकम, वो नॉर्मली आईएसटी के लिए एलिजिबल नहीं होता। लेकिन अगर आप कोई नॉर्मल एक्सपेंडिचर को एग्जेम्पशन के लिए क्लासिफाई करते हैं तो उसके लिए आपको क्या शो करना पड़ेगा, द डोनर मस्ट शो अ रेगुलर पैटर्न ऑफ गिविंग, ऑल्सो द डोनर मस्ट हैव इनफ इनकम लेफ्ट टू रिटेन देयर नॉर्मल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। जैसे बच्चों के एजुकेशन के ऊपर नॉर्मली पेरेंट्स खर्चा करते हैं, उनके रहने पर खर्चा करते हैं, तो इसको हम नॉर्मल एक्सपेंडिचर आउट ऑफ इनकम में काउंट करेंगे। लेकिन कोई वन ऑफ अगर किसी बच्चे को गिफ्ट दिया जाता है और वो गिफ्ट ऐसा है जिससे गिफ्ट देने वाले की वेल्थ के ऊपर कोई फर्क पड़ता है, तो फिर टैक्स अथॉरिटी उसे नॉर्मल एक्सपेंडिचर आउट ऑफ इनकम काउंट नहीं करती। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो एग्जेम्पशन आती है वो एग्जेम्पशन ऐसी है जो कि लाइफ टाइम गिफ्ट पे भी अप्लाई होती है और डेथ स्टेट के ऊपर भी अप्लाई होती है। अभी हमने जो पिछली एग्जेम्पशंस पढ़ी थी ये सारी लाइफ टाइम एग्जेम्पशंस थी, एनुअल एग्जेम्पशंस, मैरिज एग्जेम्पशंस, स्मॉल गिफ्ट, नॉर्मल एक्सपेंडिचर आउट ऑफ इनकम। अब हम बात करते हैं उन एग्जेम्पशंस की जो लाइफ टाइम पे भी अप्लाई होती हैं और डेथ के ऊपर भी अप्लाई होती हैं। पहली जो एग्जेम्पशन है वो है पॉलिटिकल पार्टी एग्जेम्पशन। अगर आप गिफ्ट करते हैं, डोनेशन देते हैं किसी क्वालिफाइंग पॉलिटिकल, क्वालिफाइंग मतलब इसका मतलब है कुछ कंडीशन, तो पॉलिटिकल पार्टी जो कि क्वालिफाइंग पॉलिटिकल पार्टी होगी उसको गिफ्ट दिया जाएगा, तो उसको भी हम एग्जेम्प्ट कंसिडर करेंगे, चाहे वो लाइफ टाइम में दिया जाए या डेथ के ऊपर दिया जाए। देर इज नो मैक्सिमम लिमिट टू दिस एग्जेम्पशन, कोई भी अमाउंट आपका एग्जेम्प्ट हो सकता है। सो अ डोनेशन टू अ पॉलिटिकल पार्टी क्वालिफाई फॉर एग्जेम्पशन इफ एट द लास्ट जनरल इलेक्शन प्रीसीडिंग द ट्रांसफर ऑफ वैल्यू आइदर ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। तो अगर इन दो कंडीशंस ये सेटिस्फाई होती हैं आइदर और, तो आप इस पॉलिटिकल पार्टी एग्जेम्पशन को काउंट करेंगे, वरना इसको एग्जेम्पशन में काउंट नहीं किया जाएगा। पहली कंडीशन ये है कि दो मेंबर उस पर्टिकुलर पार्टी के इलेक्ट हुए हों एटलीस्ट। दूसरी कंडीशन ये है
कि एक मेंबर तो इलेक्ट हुआ हो और साथ उसे 1,50,000 वोट भी कास्ट किए गए हैं। अब नॉर्मली एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये कोई इतनी इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, लेकिन एटलीस्ट यू नो द कंडीशन, बिकॉज समटाइम्स यू हैव टू एक्सप्लेन, यू नेवर नो पेपर में आपसे क्या पूछा जाएगा। सो वट एवर इज द क्राइटेरिया, वट एवर इज द कंडीशन, वट एवर इज द रिलीफ, उन सब के आपको पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए। वो पॉइंट एक्सप्लेन करेंगे तो एग्जाम में आपको मार्क्स मिलेंगे। चैरिटी एग्जेम्पशन नेक्स्ट, अगर आप कोई गिफ्ट करते हैं किसी चैरिटी को तो गिफ्ट टू रिकग्नाइज चैरिटी। अब रिकग्नाइज कौन, जो एचएमआरसी के पास रिकग्नाइज है उसको हम एग्जेम्प्ट कंसिडर करेंगे, चाहे वो लाइफ टाइम में हो या डेथ के वक्त हो। देर इज नो मैक्सिमम लिमिट टू दिस एग्जेम्पशन। गिफ्ट की वजह से समटाइम्स आपका टैक्स रेट चेंज हो जाता है, उसका पॉइंट हम आगे जाके चैरिटी वाले पॉइंट में सेपरेटली डिस्कस करेंगे। इसके बाद कुछ एग्जेम्पशंस हैं जो के दी जाती हैं नॉन प्रॉफिट मेकिंग इंस्टीट्यूशंस को, उन्हें भी हम एग्जेम्प्ट कंसीडर करते हैं। कुछ एग्जेम्पशन ऐसी हैं जो कि नेशनल इंस्टीट्यूशंस को अगर आपने कोई चीज गिफ्ट की वो भी एग्जेम्प्ट है, जैसे ब्रिटिश म्यूजियम को आपने कुछ गिफ्ट किया, नेशनल गैलरी को, अप्रूव्ड म्यूजियम्स को, लाइब्रेरीज को, आर्ट गैलरीज को, नेशनल ट्रस्ट को, ये सारी चीजें भी एग्जेम्पशन में काउंट होंगी। मेनली हमारी जो एग्जेम्पशन है वो है एनुअल एग्जेम्पशन, जो काम की एग्जेम्पशन, उसको आपको फोकस करना है, एनुअल एग्जेम्पशन और मैरिज एग्जेम्पशन। बाकी एग्जेम्पशन में सच नोट करने वाला कोई पॉइंट नहीं है, याद करने वाला पॉइंट है। नाउ लेट्स मूव टू अगेन, अब हम अपनी डिस्कशन पे आ जाते हैं। अब देखें, या तो आपका ट्रांसफर पीईटी होगा या सीएलटी होगा। तो पीईटी क्योंकि टैक्सेबल होता नहीं है तो उसको हम फिलहाल इग्नोर कर रहे हैं, हम चलते हैं सीएलटी के ऊपर, यानी कि चार्जेबल लाइफ टाइम ट्रांसफर को कैसे टैक्स लगाया जाता है। नाउ सपोज एक इंडिविजुअल ने मिस्टर ए मेड अ ट्रांसफर हैविंग वैल्यू ऑफ 4,25,000 टू आ ट्रस्ट। किसको गिफ्ट दिया जा रहा है? गिफ्ट दिया जा रहा है ट्रस्ट को। अगर ट्रस्ट को गिफ्ट दिया जा रहा है तो ये जो गिफ्ट है इसे हम क्या कंसिडर करेंगे? इस गिफ्ट को हम कंसिडर करेंगे एज अ सीएलटी। ठीक है जी, अब इसके ऊपर हम टैक्स कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेट आईएचटी पेबल। क्या आपका आईएचटी पेबल क्या होगा? अब सबसे पहले फॉर्मेट बनाते हैं। एज्यूमिंग डोनी और द ट्रस्ट विल पे द टैक्स। तो सबसे पहले तो हमें ट्रांसफर ऑफ वैल्यू गिवन है, हमने फॉर्मेट यूज किया, ये आपको एक्सेल के अंदर सॉल्व करना पड़ेगा अगर एग्जाम में इससे मिलता जुलता कोई कैलकुलेशन का सवाल आता है। ट्रांसफर ऑफ वैल्यू आपने लिखी, अब इस ट्रांसफर ऑफ वैल्यू में से आपको क्या माइनस करना है? ये क्योंकि वेडिंग वगैरह तो कुछ है नहीं तो हमें क्या माइनस करना है? हमें सिर्फ एक एग्जेम्पशन यहाँ पे मिल रही है, एनुअल एग्जेम्पशन। अब आप इसका टैक्स ईयर आइडेंटिफाई करें। यूके का जो टैक्स ईयर है इट रन्स फ्रॉम 6 अप्रैल टू फॉलोइंग 5 अप्रैल। तो 6 अप्रैल 2021, 5 अप्रैल 2022, ये टैक्स ईयर बनता है 21-22। और अगर मैं इसे 20 कर दूं और 21 कर दूं तो ये 20-21 बन जाएगा। तो अब आपके पास जो टैक्स ईयर बन रहा है उस टैक्स ईयर के अंदर 15 अक्टूबर 2014 आपके पास जो करंट ईयर की एनुअल एग्जेम्पशन है वो कितनी है, विच इज टैक्स ईयर 14-15, वो एग्जेम्पशन बनती है 3,000 की। क्या पिछले साल हमारे पास गिफ्ट था? देर इज नो इंफॉर्मेशन, तो हम लास्ट ईयर का एनुअल एग्जेम्पशन भी ले लेंगे, एज्यूमिंग वो क्या है हमारे पास, अनयूटिलाइज्ड है, तो उसके 3,000 भी ले लिए हमने। तो टोटल हमारे पास एग्जेम्पशन आ गई 6,000 की। 425 में से अगर आप 6,000 माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 4,19,000, एंड दिस इज कॉल्ड चार्जेबल अमाउंट।
अब क्या ये चार्जेबल अमाउंट ग्रॉस है या नेट है? तो मैंने अजम्पशन लिए दोनों टैक्स पे कर रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि दिस इज कॉल्ड दी ग्रॉस चार्जेबल अमाउंट। पहले लिख दें आप ग्रॉस या बाद में लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। ग्रॉस चार्जेबल अमाउंट माइनस करने के बाद आप इसमें से माइनस करेंगे इसका रेलेवेंट निल रेट बैंड। अब ये निल रेट बैंड कहाँ से आएगा, क्या ये एग्जाम में गिवन होगा? तो इसके लिए आपको टैक्स शीट जो प्रोवाइड की जाती है उसको देखना पड़ेगा, और टैक्स शीट के अंदर आपके पास रेलेवेंट निल रेट बैंड ईयरली बेसिस के ऊपर गिवन होगा। नाउ लेट्स सी, हम अपनी टैक्स शीट खोलते हैं और चेक करते हैं कि जो रेलेवेंट निल रेट बैंड है हमारे टैक्स ईयर यानी कि 14-15 में, ये रेलेवेंट निल रेट बैंड क्या था। सो लेट्स मूव टू द टैक्स शीट। तो आपको नजर आ रहा होगा इनहेरिटेंस टैक्स निल रेट बैंड एंड टैक्स रेट्स एनआरबी 6 अप्रैल 2020 से 5 अप्रैल 2021, थोड़ा सा नीचे आए 2014 पे फोकस करें। तो 6 अप्रैल 2014 टू 5 अप्रैल 2015 हमारा जो रेलेवेंट गिफ्ट है वो इस डेट में फॉल हो रहा है, इसलिए एनआरबी जो गिवन है वो है 3,25,000। तो हम उस एनआरबी को यहाँ पर कॉपी कर देते हैं 3,25,000, ये हमने माइनस कर दिया, हमारे पास आ गया टैक्सेबल अमाउंट। अब आपके जहन में एक सवाल आएगा कि क्या हमेशा एनआरबी इसी तरीके से लिया जाएगा, तो इसका आंसर है नो। आईएसटी में एनआरबी की कैलकुलेशन काफी ट्रिकी है, तो हम थोड़ी देर बाद इसको डिस्कस करेंगे कि कब हम पूरा एनआरबी लेंगे, कब हम एनआरबी को रिड्यूस करेंगे और कब हम एनआरबी की जगह जीरो लिखेंगे। ठीक है, तो आपका टैक्सेबल, कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द टैक्सेबल अमाउंट? फिर हम रेलेवेंट टैक्स रेट लगा देंगे और आपके पास आईएसटी पेबल आ जाएगा। तो 4,19,000 में से आप 3,25,000 माइनस कर दें, तो 94,000 का आपके पास टैक्सेबल अमाउंट आ गया। इसके ऊपर 20% अप्लाई कर दें, आई गेस इट्स 18,800। अब ये आपका आईएसटी पेबल है और टैक्स कौन देगा, सवाल में मेंशन है टैक्स कौन दे रहा है, टैक्स डोनी पे करेगा, इसलिए ये ग्रॉस गिफ्ट है। तो नीचे हमने ग्रॉस चार्जेबल अमाउंट आइडेंटिफाई करना होता है कि ग्रॉस चार्जेबल अमाउंट इसका कितना है, तो हमने ऊपर चार्जेबल अमाउंट को नीचे सिंपली कॉपी किया और ये हमारा ग्रॉस चार्जेबल अमाउंट आ गया। अब ये ग्रॉस चार्जेबल अमाउंट का चक्कर क्या है, इसको हम क्यों फाइंड आउट करते हैं, एनआरबी पूरा लेंगे या नहीं लेंगे, इसके ऊपर हम बात करते हैं। तो बेसिकली ये जो एनआरबी है जो लाइफ टाइम में हम ले रहे हैं, इसका प्रॉब्लम क्या है, लाइफ टाइम गिफ्ट्स। देखें जैसे पिछली एग्जाम्पल में मुझे एनआरबी गिवन था 3,25,000, तो जब मैं एनआरबी लेने जाऊंगा तो आई विल लुक बैक, कितने साल पीछे देखूंगा, आई विल लुक बैक 7 ईयर्स। कहां से देखूंगा, डेट ऑफ गिफ्ट से देखूंगा, एग्जैक्ट 7 साल के अंदर क्या हुआ, क्या 7 साल के अंदर कोई सीएलटी था, एज्यूमिंग यस था। अगर 7 साल के अंदर कोई सीएलटी था तो उसका ग्रॉस चार्जेबल अमाउंट कितना था, वो ग्रॉस चार्जेबल अमाउंट में लूंगा। सपोज वो ग्रॉस चार्जेबल अमाउंट 2 लाख था, वो ग्रॉस चार्जेबल अमाउंट में लूंगा और अपने एनआरबी को उस ग्रॉस चार्जेबल अमाउंट से रिड्यूस कर दूंगा लुक बैक 7 ईयर्स के अंदर। तो मेरा रिड्यूस्ड एनआरबी कितना हो जाएगा, 1,25,000, जो कि मैं अपने प्रोफार्मा में से माइनस कर दूंगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर पिछले 7 साल में 2 गिफ्ट थे, 3 गिफ्ट थे, तो सबका जीसीए एक्यूमुलेट किया जाएगा और एनआरबी से माइनस कर दिया जाएगा। अगर जीसीए एनआरबी से एक्सीड करता है, फॉर एग्जाम्पल आपका कंसर्न एनआरबी 3,25 है और आपने जीसीए निकाला और वो आ रहा है 5 लाख,
तो अल्टीमेटली आपका एनआरबी क्या हो जाएगा, आपका एनआरबी जीरो हो जाएगा, और फिर आपका जो चार्जेबल अमाउंट है और टैक्सेबल अमाउंट जो होगा वो सेम हो जाएगा। लुक बैक 7 ईयर्स की आपको ये चीज चेक करनी है, कहाँ से लुक बैक 7 ईयर करेंगे, डेट ऑफ गिफ्ट से लुक बैक 7 ईयर्स करेंगे। लुक बैक में अगर कोई पीईटी है तो उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा, सिर्फ सीएलटी को कंसिडर किया जाएगा। इज दैट क्लियर? लुक बैक का कॉन्सेप्ट समझ में आता है? तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, फर्दर हम अपनी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। अभी हम क्योंकि हमारी अभी कुछ इब्तदाई क्लासेस हैं, इनिशियल क्लासेस हैं, और स्टूडेंट्स आर ग्रेजुअली कमिंग, तो अभी हम एक दो क्लासेस में थोड़ा सा बहुत स्लो चल रहे हैं, और हमारा थोड़ा सा फोकस है इनिशियल डिस्कशन पे। लेकिन एज यू प्रोग्रेस, आप जैसे हम आगे बढ़ते हैं, तो फिर हम अपना पेस थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे, और फिर साथ 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 हम अपने किट के क्वेश्चंस भी और पास पेपर के एक्सट्रैक्ट्स भी साथ साथ करते जाएंगे, जितना रेलेवेंट हमारे लिए पॉसिबल होता जाएगा, ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट आप लोगों की प्रैक्टिस साथ साथ चलती रहे। और आप लोगों को करना क्या है कि आप लोग सिर्फ जो नोट्स आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, उन नोट्स को आप जितना ज्यादा मेमोराइज कर सकते हैं, बिकॉज एटीएक्स इज ऑल अबाउट मेमोराइजेशन ऑफ टैक्स रूल्स। अगर आपसे वो पूछता है फॉर एग्जाम्पल कोई टैक्स रूल, और यू आर नॉट एबल टू एक्सप्लेन, आप उसको एक्सप्लेन ही नहीं कर पाते बिकॉज यू डोंट नो, आपको याद ही नहीं है टैक्स रूल, तो जब आप टैक्स रूल ही रिफ्लेक्ट नहीं करते तो एग्जामिनर आपको मार्क्स नहीं देगा। इसमें अगर कोई कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन आती है तो कैलकुलेशन में इतना प्रॉब्लम नहीं होता, ज्यादातर प्रॉब्लम ये होता है कि स्टूडेंट को टैक्स रूल्स आइडेंटिफाई नहीं होते, कैलकुलेशन अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड है तो वो उससे नहीं होती, जिसकी वजह से वो पेपर पूरा नहीं हो पाता और प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट्स को। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। अगर इस एग्जाम्पल में जो मैंने अभी की, और इस एग्जाम्पल में हमने ये एज्यूम किया था कि डोनी टैक्स पे कर रहा है, लेट्स एज्यूम के डोनर टैक्स पे कर रहा है, तो क्या हमारे इस एग्जाम्पल में कोई फर्क आएगा, क्या हमारे प्रोफॉर्मा में कोई फर्क आएगा? तो प्रोफॉर्मा तो आपका वही रहेगा, सिर्फ एक स्लाइट सा चेंज आएगा। सो ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, मैंने दोबारा काउंट की यहां पर, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू इज 4,25,000। इस ट्रांसफर ऑफ वैल्यू में से, एज वी डिस्कस, इस ट्रांसफर ऑफ वैल्यू में से हम क्या माइनस करेंगे, इस ट्रांसफर ऑफ वैल्यू में से हम माइनस करेंगे अपनी एनुअल एग्जेम्पशन। एनुअल एग्जेम्पशन हमने ऑलरेडी चेक कर ली थी, एनुअल एग्जेम्पशन हमारे पास करंट ईयर की थी 3,000, 14-15 3,000, 13-14 3,000 ईच, सो इट्स 3,000 एंड 3,000, सो द टोटल एनुअल एग्जेम्पशन इज कम्स टू बी 6,000, एंड माय चार्जेबल अमाउंट इज, नाउ दैट चार्जेबल अमाउंट इज कॉल्ड द नेट चार्जेबल अमाउंट। व्हाई इट इज कॉल्ड द नेट चार्जेबल अमाउंट, इसको नेट चार्जेबल अमाउंट क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मैंने एज्यूम किया है कि डोनर टैक्स पे करना है, और जब डोनर टैक्स पे करेगा तो इट इज ऑलवेज कंसिडर्ड टू बी अ नेट चार्जेबल अमाउंट। आप इसमें से हम माइनस करेंगे एनआरबी, एनआरबी कितनी थी हमारी 3,25,000। लुक बैक 7 ईयर्स, पीछे कोई गिफ्ट नहीं है तो पीछे कोई चार्जेबल अमाउंट नहीं है, पूरा एनआरबी हमने यहां पर 4,19,000 माइनस किया, और आपके पास एक टैक्सेबल अमाउंट आ गया जो कि कितना आ रहा था, व्हाट वाज द टैक्सेबल अमाउंट, द टैक्सेबल अमाउंट वाज 94,000। यहां तक तो आपको ये सेम नजर आता है, डिफरेंस क्या होगा, नाउ द आईएसटी रेट हैज बीन चेंज्ड। अब आप बताएं मुझे आईएसटी 25% अप्लाई करें, हाउ मच इज द आईएसटी, आईएसटी का रेट क्या होगा, आईएसटी इज 23,500। अब एक और चीज है कि आपको ग्रॉस चार्जेबल अमाउंट फाइंड आउट करना है। अब ग्रॉस चार्जेबल अमाउंट कैसे निकाला जाए, ऊपर जो अमाउंट दिया हुआ है ये तो नेट चार्जेबल अमाउंट है, तो इसको ग्रॉस बनाने का तरीका क्या है,
आप नेट चार्जेबल अमाउंट लें 4,20,19,000, उसमें HIST ऐड कर दें तो ये आपका बन जाएगा ग्रॉस चार्जेबल अमाउंट। टोटल फाइंड आउट करें, व्हाट इज द टोटल अमाउंट? सो द टोटल अमाउंट इज 442,500। परफेक्ट, 442,500। यहां तक कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज बताएं, ताकि फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। सीएलटी का लाइफ टाइम का टैक्स निकालने का तरीका, अगर डोनी टैक्स पे करेगा वो भी मैंने बता दिया, डोनर पे करेगा वो भी बता दिया, और सारी चीजें हमारी इसमें क्लियर हो गई। सिर्फ एक मसला हमारा बाकी है कि अगर एग्जाम में ट्रांसफर ऑफ वैल्यू ना दिया हुआ हो तो उस ट्रांसफर ऑफ वैल्यू को हम आगे जाके डिस्कस करेंगे कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। चलें, लेट्स प्रोसीड फर्दर। अब होता क्या है, होता यह है कि फॉर एग्जाम्पल आपका सीएलटी था और डोनर जो था वो डाई, उसकी डेथ हुई विद इन 7 ईयर्स। सो अभी हम एक पार्शल टैक्स पे किया है हमने, चाहे डोनी ने पे किया हो या डोनर ने पे किया हो। अगर डोनर डाई होता है विद इन 7 ईयर्स तो क्या उसके ऊपर और सीएलटी लगेगा? यस, उसके ऊपर आपको फर्दर सीएलटी, फर्दर आईएचटी पे करना पड़ेगा। अब ये फर्दर आईएचटी कैसे निकालेंगे, इसका प्रोफॉर्मा क्या होगा, इसको हम डिस्कस करते हैं। तो आईएचटी ऑन डेथ, सीएलटी ऑन डेथ। अब डेथ के ऊपर जब आप सीएलटी निकालने जाएंगे तो हमारे पास बेसिकली जो हमें सबसे पहले जो चीज देखनी है वो ये देखनी है कि हमारे पास जो वैल्यू थी वो वैल्यू क्या थी, उसका फॉर्मेट क्या था, उसे हम कहां से स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स फोकस ऑन द फॉर्मेट ऑफ एट द टाइम ऑफ डेथ। अच्छा जी, आपके सामने जो स्क्रीन शो हो रही है वो, चले जी स्क्रीन आपके सामने मेरे ख्याल से प्रॉपर शो हो रही होगी, उसका प्रोफॉर्मा डिस्कस करते हैं। अब दोबारा ट्रांसफर ऑफ वैल्यू से कैलकुलेशन स्टार्ट नहीं होगी, बल्कि जो ट्रांसफर ऑफ वैल्यू से हमने लाइफ टाइम का अमाउंट कैलकुलेट किया था, अब कैलकुलेशन वहां से स्टार्ट होगी। कहां से स्टार्ट होगी? कैलकुलेशन स्टार्ट होगी ग्रॉस चार्जेबल अमाउंट से। ठीक है जी, ये ग्रॉस चार्जेबल अमाउंट कहां से आया होगा? ये ग्रॉस चार्जेबल अमाउंट हमारा लाइफ टाइम से आया होगा। ये लाइफ टाइम का ग्रॉस चार्जेबल अमाउंट हमने लिया, इस ग्रॉस चार्जेबल अमाउंट से अब हमें कोई एग्जेम्पशन माइनस नहीं करनी, इसमें से हमें सिंपली क्या माइनस करना है, अब दोबारा एनआरबी माइनस करना। लेकिन अब ये एनआरबी कौन सा होगा? एनआरबी ऑन डेथ। अब एग्जाम में नॉर्मली जो डेथ वाला ईयर रखा जाता है वो 2021 रखा जाता है, और इसका एनआरबी आपके पास गिवन है 3,25,000। तो ये 3,25,000 आप अपने जीसीए में से माइनस करेंगे तो आपके पास फिर जो अमाउंट आएगा वो अमाउंट होगा टैक्सेबल अमाउंट। अब सवाल ये पैदा होता है कि जिस तरह लाइफ टाइम में एनआरबी को चेक किया जाता था कि एनआरबी लेंगे या नहीं लेंगे, जीरो लेंगे, कितना अमाउंट लेंगे, क्या वाकई यहां भी चेक किया जाएगा? यस, लुक बैक 7 ईयर्स का रूल दोबारा यहां पर अप्लाई होगा। अब यहां स्टूडेंट थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं लुक बैक 7 ईयर्स में, सो उसको क्लियर कर लें आप लोग कि लुक बैक 7 ईयर्स दोबारा अप्लाई होगा। अब लुक बैक 7 ईयर्स कहां से अप्लाई होगा? तो लोग यूजुअली समझते हैं डेट ऑफ डेथ से अप्लाई होगा, नहीं ऐसा नहीं है। लुक बैक 7 ईयर्स अब अप्लाई होगा दोबारा कहां से? डेट ऑफ ट्रांसफर से। वहीं से हम दोबारा देखेंगे, लुक बैक देखेंगे, लेकिन अब हम तमाम सीएलटी कंसीडर करेंगे लुक बैक में पिछले 7 साल में, और वो पीईटी कंसीडर करेंगे जो पीईटी टैक्सेबल होंगे। अगर आपके पास पीईटी है
तो पीईटी समटाइम्स टैक्सेबल होते हैं, समटाइम्स नहीं होते. दोस पीईटी विच आर टैक्सेबल उन्हें आप इंक्लूड करेंगे और उनके जीसीए को आप मैच करेंगे किसके साथ, एनआरबी लिया, उस एनआरबी के साथ लुक बैक में जितने जीसी आए वो मैच किया. अगर एनआरबी ज्यादा है तो कुछ अमाउंट बचेगा, वरना अमाउंट जीरो होकर इस प्रोफार्मा में आगे जाके ऐड कर दिया जाएगा. सो टैक्सेबल अमाउंट फॉर एग्जांपल आपने फाइंड आउट किया, तो टैक्सेबल अमाउंट फाइंड आउट करने के बाद अब आप इसके ऊपर लगाएंगे आईएचटी. आईएचटी का रेट क्या होगा? आईएचटी का रेट होगा 40%. डेथ के वक्त आईएचटी का रेट है 40%. द मैक्सिमम रेट ऑफ आईएचटी इज 40%. अब आप कहेंगे कि हमने ऑलरेडी 20 या 25 तो दिया हुआ है, तो हम 15% क्यों नहीं ले रहे, हम 20% क्यों नहीं ले रहे. तो हम रेट हमेशा 40% ही लगाएंगे, बाद में जितना आईएचटी हम ऑलरेडी पे कर चुके होंगे वो इसमें से एज अ टैक्स क्रेडिट हमें वापस डिडक्ट कर लिया जाएगा. लेकिन इस आईएचटी में से एक और चीज माइनस की जाएगी. तो प्रोफॉर्मा इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्या क्या चीजें माइनस हो रही हैं सब क्लियर होना चाहिए. एंड दैट इज कॉल्ड टेपर रिलीफ. वो टेपर रिलीफ माइनस होगा आईएचटी पेबल में से, और उसके बाद आईएचटी जो आपने लाइफ टाइम में ऑलरेडी पे किया हुआ होगा वो डिडक्ट होगा. वो माइनस करने के बाद अगर कोई सरप्लस बचा तो आईएचटी पेबल आएगा, वरना आईएचटी पेबल जीरो हो जाएगा. अब इसके अंदर नई चीज क्या आई, इसके अंदर जो नई चीज हमारे पास आई है जो आप प्रोफार्मा चेक करें, पहली चीज है प्रोफार्मा ट्रांसफर ऑफ वैल्यू से स्टार्ट नहीं हो रहा, प्रोफार्मा जीसीए से स्टार्ट हो रहा है जो वहां पर एंड हुआ था. ठीक है, उसके बाद एनआरबी दोबारा चेक किया जाएगा लुक बैक से. जो नई चीज यहां पर एड हुई है वो हुई है टेपर रिलीफ. अब ये टेपर रिलीफ क्या है और इसके बेनिफिट्स आपको कहां से मिलेंगे, क्या ये टैक्स शीट में गिवन होंगे, क्या आपको याद करने पड़ेंगे. सो लेट्स डिस्कस व्हाट इज टेपर रिलीफ. एग्जाम में एक एक छोटी सी छोटी कैलकुलेशन, छोटे सा छोटा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एक एक नंबर से देयर इज ऑलवेज अ डिफरेंस. सो हम कोई भी सिंगल पॉइंट, इवन ये जो एनआरबी का चक्कर है ये भी हम नहीं छोड़ सकते, कहीं ऐसा ना हो हमारे रियल एग्जाम में एनआरबी वाला पॉइंट हो और एक नंबर से हमारे लिए एग्जाम में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए. सो टेपर रिलीफ भी समझना बहुत जरूरी है. टेपर रिलीफ पीईटी पे भी मिलता है, टेपर रिलीफ सीएलटी पे भी मिलता है, लेकिन सिर्फ कब मिलता है, ऑन डेथ मिलता है. लाइफ टाइम के ऊपर ड्यूरिंग द लाइफ नहीं मिलता, ऑन डेथ मिलता है. ये बात ध्यान में रखनी है कि जब भी पीईटी को टैक्सेबल बनाएंगे, जब भी सीएलटी को डेथ के ऊपर टैक्सेबल बनाएंगे, टेपर रिलीफ कंसीडर करना है. अब ये टेपर रिलीफ की जो परसेंटेजेस हैं वो आपको टैक्स शीट में प्रोवाइड की जाती हैं. लेट्स हैव अ लुक. ये देखें जी, आपको यह नजर आ रहा होगा टेपर रिलीफ. टेपर रिलीफ कितना मिलेगा ये इस बात पर डिपेंड करता है कि जो शख्स विद इन 7 ईयर्स में उसकी डेथ हुई है, तो एग्जैक्ट उसकी डेट ऑफ गिफ्ट से लेकर डेट ऑफ डेथ का एग्जैक्ट टाइम फ्रेम कितना है. अगर एक शख्स 3 to 4 ईयर्स के दरमियान उसकी डेथ होती है तो रेट क्या होगा, 20%. 4 to 5 होती है तो रेट डबल हो जाएगा. 5 to 6 होती है तो फर्दर 20% से इंक्रीज हो जाएगा. 6 to 7 होती है तो रेट 20% से फर्दर इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि मिनिमम 20 और मैक्सिमम 80% रिडक्शन. और अगर विद इन 3 ईयर्स है, अप टू 3 ईयर्स है, तो कोई टेपर रिलीफ नहीं. मोर देन 7 ईयर्स हो गए तो अल्टीमेटली ये चीज टैक्सेबल ही नहीं होगी. इसलिए क्राइटेरिया 3 to 4 का है, 4 to 5 का है, 5 to 6 का है, या 6 more than 6 but less than 7 years का क्राइटेरिया. ये परसेंटेजेस आपको टैक्स शीट में दी हुई है, याद करने की जरूरत नहीं है. ये परसेंटेजेस लगेंगी किसके ऊपर, ये परसेंटेजेस लगेंगी आईएचटी पेबल के ऊपर. आईएचटी पेबल के ऊपर आपने परसेंटेज लगाई टेपर रिलीफ की,
और वहां से आपने टेपर रिलीफ माइनस किया और टेपर रिलीफ उठाकर आपने आईएसटी में से डिडक्ट किया, ऑलरेडी कोई टैक्स पे किया हुआ है वो माइनस किया, और अगर उसके बावजूद कोई टैक्स बनता है तो आईएसटी पेबल आएगा, और ये हमेशा कौन देगा? सीएलटी के केस में इसकी पेमेंट हमेशा कौन करेगा? इसकी पेमेंट ट्रस्ट करेगा। इज दैट क्लियर? चले हम आगे बढ़ते हैं और एक एग्जाम्पल करते हैं लाइफ टाइम के ऊपर। सो फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर ए मेड अ लाइफ टाइम गिफ्ट ऑफ 380,000 टू अ ट्रस्ट ऑन 17th of August 2017। टैक्स इज पेबल बाय ट्रस्ट। दिस इज दी फर्स्ट गिफ्ट, यानी कि इससे पहले हमने कभी कोई गिफ्ट नहीं दिया। कैलकुलेट बोथ लाइफ टाइम आईएसटी एंड आईएसटी ऑन डेथ, एज्यूमिंग मिस्टर ए डाइड ऑन 15th December 2020। अब सबसे पहले सवाल ये पैदा होता है, क्या ये सीएलटी है या पीईटी है? तो क्योंकि ट्रस्ट को दिया जा रहा है तो सर सीएलटी, और सीएलटी है तो लाइफ टाइम टैक्स लगेगा। लाइफ टाइम टैक्स कौन देगा? सवाल में लिखा हुआ है ट्रस्ट देगा, तो रेट होगा 20%। और उसके बाद हम देखेंगे कि डेट ऑफ गिफ्ट और डेथ में क्या डिफरेंस है। तो अब चेक करें डेट ऑफ गिफ्ट क्या है, 17th August 2017। डेथ की डेट क्या है, 15 दिसंबर 2020। अब काउंट करें दोनों का डिफरेंस निकालें, 17 अगस्त 2017 से 15 दिसंबर 2020, हाउ मेनी इयर्स इन बिटवीन? तो हम कहेंगे 2018 पहला साल, 2019 दूसरा साल, 2020 तीसरा साल, यानी कि 17 अगस्त 2020 को हमारे 3 साल कंप्लीट होंगे और चौथा साल स्टार्ट हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि 3 to 4 years इन बिटवीन, एम आई राइट? क्या मेरी कैलकुलेशन ठीक है? यस, मोर देन 3 लेस देन 4। तो इसका मतलब टेपर रिलीफ मिलेगा, इसका मतलब टेपर रिलीफ का मिनिमम परसेंटेज आपको मिलेगा एंड दैट इज ओनली 20%। अब पहले हम लाइफ टाइम निकालते हैं, उसके बाद डेथ के ऊपर जाएंगे। तो लाइफ टाइम में हमारे पास जो सी एल टी है उसकी ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू मैंने यहां कंसिडर की थी 380,000। इस ट्रांसफर ऑफ वैल्यू में से हम माइनस करेंगे एनुअल एग्जेम्पशन, क्योंकि ये हमारा पहला गिफ्ट है तो करंट ईयर की एनुअल एग्जेम्पशन भी अवेलेबल है। और करंट ईयर हमारा कौन सा है? करंट ईयर है 17-18। तो करंट ईयर 17-18 के 3,000 और प्रीवियस ईयर 16-17 के 3,000, 6,000 डिडक्ट कर दें तो आपके पास 3,74,000 का ग्रॉस चार्जेबल अमाउंट आ जाएगा। क्योंकि ये डोनी टैक्स पे कर रहा है इसलिए मैं से ग्रॉस चार्जेबल अमाउंट लिख रहा हूं। ग्रॉस चार्जेबल अमाउंट माइनस करने के बाद आपने देखना है इसका एनआरबी कितना है। तो एनआरबी 17-18 में 3,25,000 होता है, टैक्स शीट में आप देख सकते हैं। लुक बैक 7 ईयर्स में पीछे कुछ भी नहीं है,
तो पूरा का पूरा एनआरबी अवेलेबल हुआ, उसको माइनस करके बताएं कितना आंसर आ रहा है, टैक्सेबल अमाउंट कितना बन रहा है। अब इस 49,000 पे हमें आईएसटी कैलकुलेट करना है, एप्लीकेबल रेट, क्योंकि धोनी टैक्स पे कर रहा है तो 20% होगा, 20% कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा 9,800 का आईएसटी पेबल टू बी पेड बाय धोनी, एंड द ग्रॉस चार्जेबल अमाउंट ऊपर से आप कॉपी करें और वो हो जाएगा 3,74,000। सो ये लाइफ टाइम की आपकी कंप्यूटेशन हो गई कंप्लीट। अब क्योंकि वो 7 साल के अंदर मर चुका है तो डेथ की कैलकुलेशन भी होगी सीएलटी की, और ग्रॉस चार्जेबल अमाउंट जो ऊपर निकाला है उसको हम दोबारा यहां पर लेंगे, लेकिन अब इसमें से कोई एनुअल एग्जेम्पशन वगैरह माइनस नहीं होगी। फिर हम लुक बैक 7 ईयर्स देखेंगे, सो एनआरबी एट द टाइम ऑफ डेथ देखा जाएगा, कौन सा एनआरबी लिया जाएगा, डेथ वाले ईयर का एनआरबी जो कि 3,25,000 ही है। लुक बैक 7 ईयर्स देखा जाएगा, डेट ऑफ गिफ्ट से पीछे वहां कुछ भी नहीं है, तो ये 3,25,000 का आपको दोबारा मिल गया एनआरबी, और इस एनआरबी ने आपके जीसीए को रिड्यूस कर दिया, तो आपका जो टैक्सेबल अमाउंट बना वो टैक्सेबल अमाउंट कितना बनेगा, 3,74,000 माइनस 3,25,000, इट्स 49,000। अब इस 49,000 पे सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, आईएसटी लगाएंगे, रेट हमारा टैक्स का हमेशा कितना होगा, 40%, 40% कैलकुलेट करें, 19,600। अच्छा जी, अब इसमें से डिडक्ट करेंगे टेपर रिलीफ, तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया था कि 3 to 4 years होता है, तो आप यहां लिखें 3 to 4 और यहां लिखें 20%, और 20% कैलकुलेट करें 19,600 का और यहां से डिडक्ट कर दें 19,600 का 20%, 3,920 या आपको बेनिफिट मिला 3,920 का, या आपने यहां से डिडक्ट किया। IHT ऑलरेडी पेड, अच्छा अब IHT चाहे किसी ने भी दिया हो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, IHT ऑलरेडी पेड हमेशा यहाँ से माइनस होगा, पीछे जाके देखें IHT ऑलरेडी पेड 9,800 वो भी माइनस कर दें इसमें से। अगर आपके पास कोई सरप्लस बचता है तो दिस इज योर फाइनल IHT पेबल टू बी पेड बाय ट्रस्टी, हाउ मच इज दैट, कौन देगा टैक्स, ट्रस्ट या धोनी आपको टैक्स पे करेगा। तो ये अल्टीमेटली हमारे पास एक पूरा सीएलटी का फ्रेमवर्क हमने यहां पर कंसिडर कर लिया कि किस तरह सीएलटी पे लाइफ टाइम पे टैक्स लगता है और किस तरह सीएलटी के ऊपर हम डेथ स्टेट के ऊपर जाकर टैक्स कैलकुलेट करते हैं। Now let's focus on any question. अब हम आ जाते हैं अपने दूसरे lifetime gift के ऊपर, which is called PET. PET lifetime पे तो exempt होता है, lifetime at the time of transfer. Time of transfer पे क्या होगा, time of transfer पे exempt होगा, डेथ विद इन 7 ईयर्स टैक्सेबल बन जाएगा, तो टैक्सेबल अगर बनेगा तो उसका प्रोफॉर्मा क्या होगा। अच्छा अब एक बात जहन में रखें कि एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर वो एग्जेम्प्ट तो होता है लेकिन उसका चार्जेबल अमाउंट कैलकुलेट वैसे ही किया जाएगा जैसे सी एल टी का होता है, हम ट्रांसफर ऑफ वैल्यू निकालेंगे, उस ट्रांसफर ऑफ वैल्यू में से अपनी exemptions माइनस करेंगे, exemption माइनस करने के बाद हमारे पास chargeable अमाउंट आएगा
और ये हमेशा ग्रॉस चार्जेबल अमाउंट ही रहेगा, लेकिन इसके ऊपर टैक्स कोई भी नहीं लगेगा। अब डेथ के वक्त इसका प्रोफॉर्मा क्या होगा, ये जो ग्रॉस चार्जेबल अमाउंट है ये डेथ के वक्त यहां पर आ जाएगा, ग्रॉस चार्जेबल अमाउंट यहां से हम स्टार्ट लेंगे। इसमें से हम माइनस करेंगे एन आर बी, सेम डेथ के वक्त जो एन आर बी होगा। लुक बैक 7 ईयर्स देखेंगे, कहां से देखेंगे लुक बैक 7 ईयर्स, सेम सी एल टी वाला क्राइटेरिया, एट द टाइम ऑफ डेट ऑफ गिफ्ट लुक बैक 7 ईयर्स देखेंगे, कंसिडरिंग ऑल सी एल टी, और पीटी वो लेंगे जो टैक्सेबल होगा। अगर कोई एनआरबी बचा तो उसको यहां से डिडक्ट कर दिया जाएगा और आपके पास आंसर आ जाएगा टैक्सेबल अमाउंट। सेम प्रोफॉर्मा इस्तेमाल कर रहा हूं मैं, नथिंग न्यू। उस टैक्सेबल अमाउंट पे हम डिडक्ट करेंगे, सॉरी आईएसटी कैलकुलेट करेंगे, रेट क्या होगा सेम 40%, नथिंग न्यू। उसके बाद जो आईएसटी आ जाएगा उसमें से क्या माइनस करेंगे, टेपर रिलीफ माइनस करेंगे, टेपर रिलीफ 3 to 4, 4 to 5, 5 to 6, 6 to 7, जो भी टेपर रिलीफ होगा यहाँ डिडक्ट कर दिया जाएगा और ये हमारे पास आ जाएगा आईएचटी पेबल। क्योंकि हम पीईटी में ऑलरेडी कोई टैक्स देते नहीं है इसलिए यहाँ पर टैक्स ऑलरेडी पेड डिडक्ट नहीं होगा। टैक्स कौन देगा, टैक्स देगा डोनी, जिसको गिफ्ट किया गया हो। फॉर एग्जाम्पल इंडिविजुअल का केस है, डॉटर को गिफ्ट किया, बेटे को गिफ्ट किया, तो वो अल्टीमेटली यहां पर टैक्स देने के लिए एलिजिबल होगा। सो ऑलमोस्ट द सेम प्रोफॉर्मा, नथिंग न्यू। सो लेट्स डिस्कस वन एग्जाम्पल विथ मिक्स ऑफ सी एल टी एंड पीईटी। ये हमारा फर्स्ट आईएसटी का चैप्टर डिस्कस हो रहा है। आईएसटी का जो प्रॉब्लमेटिक एरिया है, जो कॉम्प्लिकेटेड एरिया है, वो अल्टीमेटली उसके सेकंड चैप्टर के अंदर है, लेकिन जो बैकग्राउंड है, जो बेसिक्स हैं, वो पहले चैप्टर में कवर हो रही है। तो बेसिक हर टॉपिक की शुड बी वेरी मच क्लियर, ताकि जब हम एडवांसमेंट की तरफ जाएं और उसके स्पेसिफिक इश्यूज की तरफ बात करें तो हमारे पास बेसिक के कोई भी प्रॉब्लम सामने नहीं आने चाहिए। अब आप देखें, एक शख्स ने अपनी जिंदगी में ये सारे गिफ्ट्स किए। 15 अक्टूबर 2014 में उतनी अपनी डॉटर को गिफ्ट किया, दिस गिफ्ट इज क्लासिफाइड एज पीईटी, फर्स्ट वन इज क्लासिफाइड एज पीईटी। 2014 में इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा और उसकी डेथ हुई है 2020 में। नाउ काउंट फ्रॉम 15 अक्टूबर 2014 टू 30 अप्रैल 2020, क्या ये 7 ईयर्स की कंडीशन पूरी हो रही है, क्या ये पीएटी टैक्सेबल बन रहा है? तो 15, 16, 17, 18, 19, 20, बन रही है। अच्छा एक काम कर लेते हैं, हम इसको थोड़ा सा पीछे लेके जाते हैं, लेट मी जस्ट क्रिएट समथिंग डिफरेंट, सो मेक इट 2012। अब चेक करें क्या ये विद इन 7 ईयर्स है या 7 ईयर्स क्रॉस कर रहा है। एज्यूमिंग पहला गिफ्ट 15 अक्टूबर 2012 को है,
तो ये मोर देन 7 ईयर्स हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये पीईटी एट द टाइम ऑफ गिफ्ट टैक्सेबल नहीं था, 7 ईयर्स के बाद हुआ, ये कंप्लीटली एग्जेम्प्ट हो गया, तो ये तो आपका बिल्कुल एग्जेम्पशन वाले क्राइटेरिया में चला गया। दूसरा गिफ्ट आपके पास है ट्रस्ट को, विच इज आर सी एल टी, तो ये पीईटी था, अब आया आपके पास सी एल टी। सी एल टी में अगर कुछ ना लिखा हुआ हो तो हम ये नॉर्मली एज्यूम कर लेते हैं कि डोनर टैक्स देगा, तो मैंने कुछ नहीं लिखा तो एजम्पशन है कि डोनर टैक्स देगा। तो सी एल टी एट द टाइम ऑफ गिफ्ट यानी कि 16-17 में ट्रस्ट उसके ऊपर टैक्स पे करेगा, उससे पहले हमारे पास लुक बैक में पीईटी रखा हुआ है, कोई सी एल टी आगे बढ़ते हैं। तीसरे गिफ्ट को अगर आप चेक करें तो तीसरा गिफ्ट आपके पास कौन सा है, तीसरा गिफ्ट आपके पास एक पोटेंशियली एग्जेम ट्रांसफर है। क्या ये पोटेंशियली एग्जेम ट्रांसफर एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर टैक्सेबल होगा? आंसर इज नो। क्या ये विद इन 7 ईयर्स में फॉल हो रहा है तीसरा? तो आप 18 दिसंबर 2017 से 30 अप्रैल 2020 काउंट कर लें, 18, 19 and 20, हाउ मेनी ईयर्स एग्जैक्टली? ये विद इन 7 ईयर्स तो है, हाउ मेनी ईयर्स एग्जैक्टली फ्रॉम 17 to 20? आई गेस इट्स विद इन 3 ईयर्स। सो अगर ये विद इन 3 ईयर्स है तो कोई टेपर रिलीफ नहीं होगा, अगर ये 3 to 4 है तो टेपर रिलीफ इसके ऊपर मिलेगा, लेकिन क्योंकि ये विद इन 7 ईयर्स है तो पहला पीईटी तो टैक्सेबल नहीं है, दूसरा सीएलटी आपका अल्टीमेटली टैक्सेबल है, तीसरा पीईटी वो भी टैक्सेबल है। तो इसका मतलब है पहले हमें लाइफ टाइम वर्कआउट करना पड़ेगा और उसके बाद फिर हम उसकी डेथ की कैलकुलेशन पे जाएंगे। तो पहले हम बात करते हैं किसकी, लाइफ टाइम की बात करते हैं। लाइफ टाइम में सबसे पहला गिफ्ट हमारे पास कौन सा है, पोटेंशियली एग्जाम ट्रांसफर। अब जब ये पोटेंशियली एग्जाम ट्रांसफर हमारा टैक्सेबल नहीं है तो क्या हमें इसकी चार्जेबल अमाउंट कैलकुलेट करनी है? आंसर इज यस, करनी है, क्योंकि समटाइम इसकी जरूरत पड़ सकती है। सो ट्रांसफर ऑफ वैल्यू है 3,80,000, उसमें से एनुअल एग्जेम्पशन माइनस हो जाएंगी, चार्जेबल अमाउंट आ जाएगा। ये चार्जेबल अमाउंट अल्टीमेटली हमें कैलकुलेट कर लेना चाहिए, लेकिन इसका कोई फायदा यहाँ पर नहीं है, तो इसको मैं इग्नोर कर देता हूँ क्योंकि इसका कोई यूज नहीं है। अगर यूज होता तो हम इसको इस्तेमाल करेंगे, तो मैं सिर्फ बताने के लिए यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि चार्जेबल अमाउंट कैसा आता है। ट्रांसफर ऑफ वैल्यू ली हमने, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू कितनी थी, 3,80,000, और डायरेक्टली हमने इसमें से एनुअल एग्जेम्पशन माइनस की, करंट ईयर की 3,000 और पिछले साल की 3,000, सो टोटल कितना हो गया 6,000, और हमारा जो आंसर बनेगा वो बनेगा 3,74,000 का चार्जेबल अमाउंट। ये पीएटी हमने पहले से डिस्कस किया हुआ है कि ये टैक्सेबल नहीं है। दूसरा हमारे पास बनता है सीएलटी। अब सीएलटी का निकालेंगे तो सीएलटी का टैक्स ईयर बनता है 16-17, इसका पिछला साल बनता है 15-16, दोनों एग्जेम्पशंस अवेलेबल हैं, 3,90,000। ट्रांसफर ऑफ वैल्यू कितनी हो गई, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू 3,90,000। हाउ मच इज द एनुअल एग्जेम्पशन, एनुअल एग्जेम्पशन 3,000 करंट ईयर का, 3,000 पिछले साल का, टोटल एनुअल एग्जेम्पशन कितनी हो गई 6,000, वैल्यू कितनी बची 3,84,000 का चार्जेबल अमाउंट। क्या ये चार्जेबल अमाउंट ग्रॉस है या नेट है, एनी आइडिया? क्या ये चार्जेबल नेट है या ग्रॉस है? कुछ नहीं लिखा हुआ क्वेश्चन में, हु इज गोइंग टू पे द टैक्स, सो हमने एज्यूम किया है कि डोनर देगा, तो ये नेट चार्जेबल अमाउंट है, ठीक है, दिस इज नेट चार्जेबल अमाउंट, नॉट ग्रॉस, डोनर देगा टैक्स, सो दिस इज नेट चार्जेबल अमाउंट। अब इसमें से हम क्या माइनस करेंगे, इसमें से हम माइनस करेंगे एनआरबी, एनआरबी टैक्स ईयर 16-17 का 3,25,000 है, लुक बैक 7 ईयर्स। अब आप देखें यहां पर, यहां हमारे पास इस गिफ्ट से पहले यानी कि गिफ्ट नंबर 2 से पहले
लुक बैक 7 ईयर्स में हमारे पास एक गिफ्ट ऑलरेडी मौजूद है, बट वो गिफ्ट कौन सा गिफ्ट है? वो एक पोटेंशियली एग्जेम्प्ट ट्रांसफर है, तो उसको हम कंसिडर लाइफ टाइम में नहीं करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर आएगा निल, और टोटल 3,25,000 इज अवेलेबल, इसे माइनस कर दें। थ्री लैख 25,000 माइनस कर दें तो हमारे पास एक आंसर आ जाएगा विच इज कॉल्ड दी टैक्सेबल अमाउंट, एंड दैट इज 59,000। इस 59,000 पे टैक्स कितना लगेगा? आईएसटी। सो आईएसटी एप्लीकेबल इज 25%, क्योंकि डोनर को टैक्स देना है। हाउ मच इज द 25% अमाउंट? और इसका ग्रॉस चार्जेबल अमाउंट क्या होगा? क्योंकि ये नेट चार्जेबल अमाउंट है, तो नेट 3,84,000, उसमें आईएसटी प्लस किया 14750, सो दैट बिकम्स द ग्रॉस चार्जेबल अमाउंट। वो फाइंड आउट कर लें, एंड दैट इज 3,98,750। ये हमारा लाइफ टाइम की कैलकुलेशन यहाँ पे क्लोज हो गई। तीसरा हमारे पास जो गिफ्ट था वो था पोटेंशियली एग्जेम्प्ट ट्रांसफर, सो इसका हम चार्जेबल अमाउंट कैलकुलेट कर लेते हैं। तीसरा है हमारे पास पीईटी हैविंग अ ट्रांसफर ऑफ वैल्यू ऑफ, तो इसकी ट्रांसफर ऑफ वैल्यू जो हमें गिवन है क्वेश्चन में है 5,25,000। क्या इसमें से एनुअल एग्जेम्पशन माइनस होगी? सो एनुअल एग्जेम्पशन करंट ईयर की हमारे पास अवेलेबल है। हाउ मच इज द एनुअल एग्जेम्पशन ऑफ करंट ईयर? करंट ईयर है 17-18, तो 17-18 के तो हमारे पास 3,000 अवेलेबल हैं। इसका प्रीवियस ईयर कौन सा होगा? इसका प्रीवियस ईयर होगा 16-17। क्या 16-17 में कोई गिफ्ट था? यस ऑलरेडी उसकी एग्जेम्पशन हम क्लेम कर चुके हैं। इसका मतलब ये है कि प्रीवियस ईयर में हमारे पास कोई एग्जेम्पशन अवेलेबल नहीं है, जीरो, एंड इट्स 5,22,000। इट्स अ चार्जेबल अमाउंट एंड दिस इज अ ग्रॉस चार्जेबल अमाउंट। ये पीईटी में ये हमेशा ग्रॉस चार्जेबल अमाउंट। सो ये हमारी लाइफ टाइम की तीनों कैलकुलेशंस हो गई डन। अब हमने ये आइडेंटिफाई किया था कि कौन सा टैक्सेबल होगा, तो पहला हमने आइडेंटिफाई किया था नो टैक्स, दूसरा विद इन 7 ईयर्स में आ रहा है, और तीसरा भी विद इन 7 ईयर्स में आ रहा है। एम आई राइट? दूसरे की डेट ऑफ गिफ्ट 2016 है, 2016 को 2020 से कंपेयर करें, 17 नवंबर 2016 को 30 अप्रैल 2020 से कंपेयर करें ताकि टेपर रिलीफ का एलिमेंट फाइंड आउट किया जा सके। इज इट 3 to 4? आई थिंक यस। तो टेपर रिलीफ मिलेगा 20%। चलें जी, ऑन डेथ कैलकुलेशन करते हैं। तो ऑन डेथ हमारे पास जो पहला है वो है सीएलटी, और उसका ग्रॉस चार्जेबल अमाउंट हम पीछे से वर्कआउट करते हैं। उसका ग्रॉस चार्जेबल अमाउंट था 398,750। एनआरबी डेथ के ईयर का होता है 3,25,000। लुक बैक 7 ईयर्स, अब कहां से लुक बैक देखें? डेट ऑफ गिफ्ट से। उसके पीछे हमारे पास पीईटी मौजूद है, उसको हम इग्नोर कर देंगे क्योंकि वो टैक्सेबल नहीं है। तो पूरा एनआरबी आपके पास 3,25,000 का यहाँ पर अवेलेबल हुआ, इसको डिडक्ट कर दें। फॉर्मेट क्लियर होना चाहिए, फॉर्मेट में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। टैक्सेबल अमाउंट कितना आ रहा है उस पर आईएसटी निकालें 40% के हिसाब से, आईएसटी 40% के हिसाब से निकालें। टू नाइन फाइव डबल जीरो। क्या इसके ऊपर टेपर रिलीफ मौजूद है?
तो अभी आप लोगों ने आइडेंटिफाई किया था 3 to 4, तो 3 to 4 का मतलब है 3 to 4, सो टेपर रिलीफ अवेलेबल इज 20%। सो हाउ मच इज 20%? 5,900, इसमें से आप डिडक्ट कर दें। दिस इज IHT, अच्छा जी, लाइफ टाइम का टैक्स भी इसमें से डिडक्ट करना है। उसके बाद IHT ऑलरेडी पेड माइनस कर दें, IHT ऑलरेडी पेड हमने कितना निकाला था? IHT ऑलरेडी पेड हमने निकाला था 14750, वो माइनस कर देते हैं। क्या कोई सरप्लस IHT बच रहा है? दिस इज IHT पेबल टू बी पेड बाय द ट्रस्ट 8850। तो ये हमारा CLT एट द टाइम ऑफ डेथ। सिर्फ नई चीज क्या है इसके अंदर, विच इज टेपर रिलीफ, वो भी हमारा डन हो गया। अब तीसरी चीज है आपका PET, तीसरा PET, क्योंकि तीसरा PET विद इन 7 ईयर्स में फॉल हो रहा है, तो उसके ऊपर भी टैक्स लगेगा एट द टाइम ऑफ डेथ। सो उसका ग्रॉस चार्जेबल अमाउंट हमने लिया ड्यूरिंग लाइफ टाइम 5,22,000 आफ्टर एग्जेम्पशन। उसमें से हमने NRB चेक करना है, NRB डेथ का कितना है? नाउ आप देखें एक चीज, लुक बैक 7 ईयर्स। सो लुक बैक 7 ईयर्स में हमारे पास तीसरे गिफ्ट से पीछे दो गिफ्ट हैं, दोनों 7 ईयर्स में फॉल हो रहे हैं, तो मुझे दोनों लेने चाहिए या एक लेना चाहिए? 18 दिसंबर 2017 वाले के पीछे 7 साल में जाएंगे तो पीछे CLT भी है और PET भी है। What to do? क्या मैं दोनों ले लूं या सिर्फ CLT लूं? I already told you, a confusion वाला पॉइंट है। मैं PET नहीं लूंगा क्योंकि वो PET टैक्सेबल नहीं था, अगर वो टैक्सेबल होता तो ले लेता। तो अल्टीमेटली जब आप लुक बैक देखेंगे तो CLT का लुक बैक कितना था? 398,750, क्योंकि ये NRB से ज्यादा है तो NRB खत्म हो गया आपका, और आपका टैक्सेबल अमाउंट बचा, इसके ऊपर आप 40% लगाएं, IHT एट द रेट ऑफ 40% कैलकुलेट करें। टू जीरो डबल एट डबल जीरो, कोई टेपर रिलीफ है? क्योंकि ये विद इन 2 to 3 ईयर्स हुआ है तो नो टेपर रिलीफ। सो IHT पेबल इज 208,800। तो किसको देना है? जिसको ये गिफ्ट मिला था, यानी कि उसके बेटे को, तो टैक्स टू बी पेड बाय हिज सन। अब देखें, क्योंकि जो हमारा एडवांस टैक्सेशन का पेपर है, ऑब्वियसली उसमें इतनी लंबी लंबी बेसिक कैलकुलेशन तो नहीं आनी, लेकिन बाज दफा आपसे टैक्स प्लानिंग में ये पूछा जाता है कि लाइफ टाइम देने में ज्यादा फायदा है, डेथ के वक्त देने में ज्यादा फायदा है, किसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। तो जितनी बेसिक्स आपको आती हैं उसको आप थ्योरी में रिफ्लेक्ट कर सकते हैं कि जी लाइफ टाइम में ऐसे टैक्स लगता है, लाइफ टाइम में ये कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। तो हर चीज इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कोई चीज इंपॉर्टेंट नहीं। और जितना कुछ अभी हमने पढ़ा, ये हमारा प्रीवियस F6 का रिविजन चल रहा है, और F6 का पूरा सिलेबस एडवांस टैक्सेशन के अंदर इनकॉर्पोरेटेड है। तो पूरा का पूरा F6 हमारा, आपको अलग से F6 नहीं रिवाइज करना, हम एडवांस टैक्सेशन जितना भी पढ़ेंगे साथ साथ पीछे का पूरा स्क्रैच के साथ हम उसकी पूरी प्रैक्टिस भी करेंगे, और फिर जब हम किट के ऊपर आएंगे और मैं आपको किट के पास पेपर के शॉर्ट एक्सट्रैक्ट्स करवाऊंगा, पार्ट क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा, देन यू रियलाइज के कितना जरूरी है आपका बेसिक और एक एक एलिमेंट के ऊपर नॉलेज हासिल करना। जितनी ज्यादा आपके पास नॉलेज होगी उतना अल्टीमेटली आपको फायदा होने वाला है। अब यहां तक जो आप लोगों की डिस्कशन जितनी भी हमने की, इसमें कोई प्रॉब्लम?
दैट्स गुड. यस, इसको जितने एग्जाम्पल यहाँ पर कर रहे हैं इसको भी अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे, और अगर आप बुक से प्रैक्टिस करते हैं, बुक की एग्जाम्पल्स पे फोकस करते हैं, तो अल्टीमेटली दैट गोइंग टू हेल्प यू. अच्छा, अब इसके अंदर एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अक्सर ये पूछा जाता है कि क्या आपको डेट पता है कि इसकी टैक्स की पेमेंट की डेट्स क्या होंगी. सो लेट्स टॉक अबाउट कि IHT की डेट क्या होती है. इस डेट को आप पहली फुर्सत में इमीडिएटली मेमोराइज कर लें, याद कर लें. तो आपको इस स्लाइड नज़र आ रही है लास्ट वाली, इस स्लाइड में आपको डेट पे फोकस करना है और याद कर लें, क्योंकि आगे बहुत सारी डेट्स आने वाली हैं, तो यू विल बी सरप्राइज कि इतनी सारी डेट्स याद करनी है, तो उसको आहिस्ता आहिस्ता करके याद करें. पहला सवाल ये पैदा होता है कि जो लाइफ टाइम पे टैक्स लगता है ड्यूरिंग द लाइफ टाइम एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर, उसकी डेट क्या होती है. तो पहले हम बात करेंगे किसके ऊपर, लाइफ टाइम CLT के ऊपर बात करेंगे. फिर किसके ऊपर बात करेंगे, फिर CLT और PET एट द टाइम ऑफ डेथ के ऊपर बात करेंगे. देखें, अगर किसी शख्स ने लाइफ टाइम में गिफ्ट किया था 15 अगस्त 2018, तो आपका जो टैक्स ईयर होता है वो टैक्स ईयर स्टार्ट होता है 6 अप्रैल से फॉलोइंग 5 अप्रैल. इसका टैक्स ईयर क्या बन रहा है, इसका टैक्स ईयर बन रहा है 1819. अब आप ये देखें कि अगर CLT की डेट 6 अप्रैल से 30 सितंबर के दरमियान फॉल होती है, तो मेरी एग्जाम्पल में क्या ये 6 अप्रैल से सितंबर के इन बिटवीन है डेट ऑफ गिफ्ट, क्या इसमें फॉल हो रही 15 अगस्त, क्या 6 अप्रैल 30 सितंबर के इन बिटवीन आ रहा है. आंसर इज यस. तो ड्यू डेट क्या बनेगी, 30 अप्रैल इन द फॉलोइंग ईयर. अब फॉलोइंग ईयर में 30 अप्रैल कब आएगा, यानी कि यहां 30 अप्रैल जो आएगा वो अल्टीमेटली आपकी डेडलाइन बन जाएगी. तो अगर हम 15 अगस्त की एग्जाम्पल लेकर चलें, तो 15 अगस्त के बाद 30 अप्रैल कब आएगा, 30 अप्रैल 19, ये आपकी फाइनल डेडलाइन है पेमेंट करने की. लेकिन अगर गिफ्ट ऑफ CLT की जो डेट होती है वो इसके दरमियान फॉल होती है 1 अक्टूबर से लेकर 5 अप्रैल के दरमियान, तो अब जो डेट होगी वो होगी 6 महीने का टाइम जोन है. जिस महीने हमने गिफ्ट किया है वो महीना छोड़कर अगले जो 6 महीने हैं वो, फॉर एग्जाम्पल डेट ऑफ गिफ्ट आपके पास है सपोज 15 अक्टूबर 2020, बताएं इसकी फाइनल डेडलाइन क्या होगी. तो आप अक्टूबर के महीने को छोड़ें, काउंट फ्रॉम नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, तो इसकी डेडलाइन बनेगी 30 अप्रैल 2021 इज द डेडलाइन. तो CLT में डेट ऑफ गिफ्ट बड़ी इंपॉर्टेंट है, उससे आपकी डेट ऑफ पेमेंट डिटरमाइन होती है. ये लाइफ टाइम का मसला हल हो गया, क्योंकि PET लाइफ टाइम में टैक्सेबल नहीं होता इसलिए उसकी कोई डेट नहीं है. फिर जब ये दोबारा टैक्सेबल होगा एट द टाइम ऑफ डेथ, तो अगर PET चार्जेबल बना तो 6 मंथ वाला रूल सेम, एडिशनल टैक्स अगर CLT पे लगा तो उसके ऊपर भी 6 मंथ वाला रूल. जिस महीने में अब डेथ होगी उस महीने को छोड़कर अगले 6 महीने आप काउंट कर लें. फॉर एग्जांपल डेथ हुई है 18 नवंबर 2021 को, तो आपकी डेडलाइन क्या होगी टैक्स देने की. तो आप नवंबर छोड़ें, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल में, तो आपकी डेडलाइन होगी 30 मई 2022. ये कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन आपको डेट मेमोराइज करनी पड़ेगी. अगर आपको डेट पता है तो अल्टीमेटली यू कैन आइडेंटिफाई, और हो सकता है आपको एक या दो नंबर, एटलीस्ट एक नंबर आपको डेट याद करने का एग्जाम में मिल सकता है. तो ये स्लाइड जो हैं वो अल्टीमेटली आपको मिलेंगी या मिल चुकी होंगी, लेकिन अभी जो हमारी क्लासेस चल रही हैं, इनिशियल कुछ फ्यू क्लासेस आर दोज फॉर ओनली रजिस्टर्ड स्टूडेंट. सो दो स्टूडेंट मार्च 2020 के लिए 2022 के लिए रजिस्टर्ड नहीं होंगे, तो उनको सब्सिक्वेंट लाइव क्लासेस अलाउ नहीं की जाएंगी, और फिर उसके लिए आपको एडमिन से
कांटेक्ट करना पड़ेगा कि उसे क्या प्रोसेस है क्या प्रोसेस नहीं है, लेकिन जो रजिस्टर्ड हो चुके हैं उनके लिए रेगुलर बेसिस के ऊपर हमारी इनिशियली अभी दो क्लासेस हमने फाइनलाइज की हैं, मंडे एंड वेनसडे, विच इज़ ऑफिशियली 6:30 to 9, बट फॉर द टाइम बिंग अभी हम एक इस हफ्ते क्लास थोड़ा सा शॉर्ट ड्यूरेशन का रखेंगे ताकि और ज़्यादा स्टूडेंट्स हमें ज्वाइन कर लें तो उनका बहुत ज़्यादा नुकसान अल्टीमेटली ना हो।